नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। जी हाँ दोस्तों, एक साथ ढोल और नगाड़ा बजाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज शाम के 4:37 के उपरांत आप सभी के जुनकाल में स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी आने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जुनकाल में अब जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, दोस्तों आप सभी का होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी की कुंडली में, अब आप सभी की राशि में माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के ग्रहों में भी बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाले हैं। और दोस्तों आज शाम के 4 के बाद आप सभी की कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और दोस्तों माँ लक्ष्मी आप सभी के जुनकाल में, आप सभी की राशि में अब विराजमान होने वाले हैं। और दोस्तों जो फल आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन पलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि धन की देवी माँ लक्ष्मी सभी के जुनकाल में प्रसन्न नहीं होती है, सभी के जुनकाल में ऐसी चमत्कार नहीं करती है जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में अब करने वाले हैं। दोस्तों ऐसी में आपका भी दायित्व, आपका भी कर्तव्य होता है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर ईश्वर आपको मौका दे रहा है और दोस्तों उस मौके को आप हाथ में पकड़ लेंगे, तो दोस्तों ऐसे में आप सभी का जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और जो आज की इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं, दोस्तों 6 विशेष बात होगी। इन बातों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी छोटी मोटी अड़चनें चल रही है, जो भी छोटी मोटी बाधाएं आपके धन के संबंधित कार्यों में चल रहे हैं, दोस्तों वे सभी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी आप सभी के जुनकाल में सदैव प्रसन्न रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी धन के देवी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवनकाल के छोटे बड़े सभी समस्याएँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही और महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना आप सभी के जीवनकाल को पूरी तरह बदल सकता है, तो दोस्तों इन बातों को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और ध्यान सुनिएगा। दोस्तों तुम व्यर्थ की चीज़ें ही घर में इकट्ठी नहीं करते, ध्यान रखना तुम व्यर्थ के विचार भी इकट्ठे करते हो। कोई आदमी तुम्हें सुना रहा है कुछ भी, तुम सुनते जाते हो। अखबार में तुम कुछ भी पढ़ते जाते हो, तुम यह भी नहीं पूछते कि ये विचार इकट्ठे करने हैं। तुमने कभी किसी आदमी से कहा है कि भाई इन बातों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं? कोई आदमी किसी का निंदा कर रहा है, कोई अफवाह सुना रहा है, तुमने कभी बीच में टोका कि इसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है? क्यों कचरा मेरी खोपड़ी में डाल रहे हो? डाल देना आसान है, निकालना बड़ा ही मुश्किल है। ध्यान करने वालों से पूछो, जब वे निकालने बैठते हैं तब वह निकलता नहीं, वह जड़ें जमा ली है उसने और इकट्ठा करते वक्त होश ही नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इन बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं कि आज शाम के 4 के बाद आप सभी की कुंडली में जो शुक्र ग्रह शुभ फल देने वाले हैं, तो उनके अनुसार आप सभी के जुनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद से आप सभी के जुनकाल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा, इन सभी के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में ग्रह स्थितियाँ अनुकूल है, आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी यशमय विचार विमर्श होने वाले हैं। दोस्तों धार्मिक संस्था में भी सेवा संबंधी कार्यों में उचित आपका समय व्यतीत होगा।
इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यशमय किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों किसी तरह की जो है पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। इसके बाद दोस्तों यश में बताते हैं कि आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए, ये जो समय आपके लिए खर्चा हो सकता है। यदि आप पर खर्चों का भार बढ़ रहा है तो दोस्तों घर के किसी व्यक्ति द्वारा आपको मदद भी यश में मिलेगा। दोस्तों अपनी भावनाओं को योग्य तरीके से प्रकट करने की वजह से यश में आपको प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध भी बहुत मजबूत रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों यह समय भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों सामाजिक तथा व्यवसाय के दोनों जगह पर आपका यश में दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपना जो है काम निकलवाने में यश में सक्षम रहेंगे। इसको प्रांति दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधी खरीद प्रोक्त के कार्यों में भी बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों अभी इन कार्यों के लिए जो समय है जो परिस्थिति है अनुकूल नहीं है। दोस्तों अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने यश में आ सकते हैं। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों इन्हें अभी स्थगित रखना आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आपके कठिन समय में आपके मित्र और परिवार दोनों से सहायता मिलने वाली है। दोस्तों आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना अधिक आवश्यक होंगे। जिन बातों में आपको यश नहीं मिल पा रहा है दोस्तों उन बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ चर्चा करके केवल आपके नकारात्मकता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ चिढ़ाएंगे, लोग आपके यश में साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों यश में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें। इसके बाद दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला प्रभाव भी आपके लिए ला रहा है। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। शादी दोस्तों दोपहर बाद जो परिस्थितियां होंगी आपके लिए कुछ प्रतिकूल वातावरण भी बना सकती है, जिन कारण से कोई मुसीबत जो है आपके सामने खड़ी हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि काम के दबाव के चलते आप खुद को फंसा हुआ भी यश में महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है अधिक यश में मेहनत करने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों आप जरूर यश में अपने ध्यान को पढ़ाई के प्रति फोकस करें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे और भविष्य में आपके उज्जवल सपनों को आप साकार कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दिन की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का प्रभाव बनाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भविष्य में कौन से कार्य को करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यश में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें, आपको भविष्य में अच्छा सफलता भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी निवारण होगा। दोस्तों रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी समय आपका व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ भी मेलजोल खुशनुमा यादों को ताज़ा करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी निकट संबंधी के साथ जो उसका स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह सकता है। दिखावे के चक्कर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चक्कर में कोई रुपया पैसा देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा तो भविष्य को लेकर आपकी जो स्थितियां हैं गड़बड़ होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भी तंगी की ओर जाएंगी। तो दोस्तों इनसे बचें और दिखावे की प्रवृत्ति से इसमें दूर रहें। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेंगी और इसलिए दोस्तों उन पर ध्यान देना आपका आवश्यक होगा, तो उन पर भी यश में ध्यान जरूर दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी मित्र द्वारा आपको मार्गदर्शन यश में मिल सकता है, जिसकी वजह से आपसे जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। अध्यात्म में आप जो है आपकी खास यश में रुचि रहने वाली है। दोस्तों आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए जो समय होंगे आपके जो प्रयत्न होंगे यश में सफलता प्राप्त करेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपके लिए करियर से जुड़े समस्याएं काफ़ी हद तक यश में खत्म हो सकती है। आप अपनी व्यवहार कुशलता से नकारात्मक परिस्थितियाँ पर भी यश में काबू पा लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में नौकरी पेशा टारगेट पूरा न होने की वजह से बॉस व पेर अधिकारियों की जो है डांट फरकार सुननी भी पड़ सकती है।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में कुछ खास लोगों के साथ फायदेमंद मीटिंग भी हो सकती है जिससे आपको बड़े ऑर्डर भी इसमें प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों काम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों यश में काम पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यश में आ सकती है, लेकिन दोस्तों इन जिम्मेदारियों को आप यश में निभा भी पाएंगे और अच्छी सफलता को भी यश में आप अर्जित कर पाएंगे।